कोतवाली कैसरगंज क्षेत्र पंचम्भा के दबंग निवासी अशोक मिश्रा पुत्र राजकिशोर लकवापुर बहराइचा थाना हुजूरपुर तथा कोतवाली कैसरगंज पंचम्भा निवासी माधव राज पुत्र मुल्ले है व त्रिलोकीनाथ पुत्र राम रूप, ये लोग अपनी दबंगई से महिलाओं को परेशान किया करते हैं। इस संबंध में जब मीडिया कर्मी पीड़ित महिला श्यामा देवी राजकुमारी कोयला मीना से जानकारी ली तो उन्होंने अपनी व्यथा बताते हुए अवगत कराया। अशोक मिश्रा पुत्र राजकिशोर को माधव राज ने अपने घर पर बुलाकर महिलाओं से आए दिन अभद्रता से पेश आते हैं। जमीनी रंजिश को देखते हुए रास्ते में तखट डालकर शराब पिलाते हैं। इस संबंध को लेकर जब महिलाएं परेशान होकर पुलिस अधीक्षक बहराइच को शिकायती पत्र दिया कि इसकी जांच कराकर दबंग के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए तथा न्याय भी दिलाया जाए। ये बातें पीड़ित महिला श्याम देवी राजकुमारी मीना कोयला पंचम्भा निवासी ने मीडिया कर्मी से अपनी अपनी व्यथा बताई। अब देखना यह कि खबर प्रकाशित होने के बाद इन दबंगों के ऊपर कार्यवाही होती है या ऐसे ही ठंडी टोकरी में डाल दिया जाता है। संवाददाता अनी बानो की रिपोर्ट। क्या समस्या है? रास्ते की बात है। आप कहाँ के रहने वाले हैं पहले बताओ? पंचम्भा। जिला कौन सा है? बहराइच। थाना कौन सा है? कैसरगंज। समस्या क्या है? अब यही समस्या है कि आबादी बेचे हैं वे हाँ। और उससे दोनों कब्जा किए हैं। अच्छा। और फिर कब्जा करे बाकी अने कब्जा कर लिया फिर बेचा चाहता था यहाँ से जावा चाहता। कौन बेचना चाहता है? माधवराज। माधवराज कहाँ के निवासी है वो? पंचम्भा। अप्लीकेशन कहीं दिया? हाँ, एक कैसरगंज दिया। अच्छा। एक बहराइच दिया, एक गंडारा दिया। गंडारा दिया आपका? राजकुमार। क्या समस्या है? समस्या यू है कि रास्ते पर ही तखत उखट डार के बैठा था और लड़कन का अपने बहकावत है तो नान नान लड़के हमरे से फिर रास्ते पर जाते हैं तो धकेलत हैं और गाड़ी बक्कत हैं और दुनियन के झंझट करत हैं ऊपर हम लोग बोली थे तो झगड़ा करत हैं। वो जमीन कैसी है? आबादी। तो उन्होंने जमीन बेचा भी है? हाँ, जमीन थोड़ी से पठान के हाथ में बेची ना। किसने बेचा? नाव एक साईं। साईं और नाव। उनके हाथ में बिक्री कर दिया? हाँ, बिक्री। उसके बाद दोबारा भी कब्जा करना चाहते जो से कर रहा था और फिर बेचे का हाथ बेचने को कह रहे हैं। किसने बेचा है? कौन कौन बेचा है? माधव। माधव ने बेचा है। तो आप क्या चाहते हैं कि जैसे जमीन बेचा है तो कब दोबारा बेचेंगे क्या? अगर जो कब्जा कर रहे हैं साथ तो बेचबे करिए। अरे कब्जा की है तो बेचबे करिए। अच्छा। जब हम लोग कुछ न कह पाएंगे हमारे सबके दुनिया में न सुनी जाइए तो बेच लेबे करिए। एक एक खाली हर चमार है हर जन तो वही सबका दबदबावत है जितने हम लोग बोली झगड़ा बराई थे हर जन के वजह से है ना। हर जन के वजह से मतलब हर जने हर जन मामला है। अच्छा। यही से कुछ मतलब डराते नहीं है वही दो अक्षर पढ़े हैं तो वो अपने आप का नेता बन रहे हैं। अच्छा। कौन कौन नेता बन रहा है? माधवराज। माधवराज। हाँ।